आप देख सकते हैं मैंने 15 से 20 मिनट लगा के इसको वॉश कर लिया, आम सादा पानी से वॉश किया, बिल्कुल कोई फेस वॉश या साबुन यूज़ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि कलर कितना मेरा हो गया फेयर और कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ बहुत आसान है, बहुत इजी, और सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही आपका रंग इतना गोरा हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो और इसमें चाहिए भी हमें सिर्फ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, कोई हमें बाहर से चीज़ें लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो घर में आम इस्तेमाल की चीज़ होती हैं उससे ही हम ये रेमेडी तैयार करेंगे। ले लिया है मैंने खाली बाउल। हमें थोड़ी सी बलाई चाहिए होगी, जो आम दूध के ऊपर से उतरती है वो बलाई हमें चाहिए। एक छोटा चाय का चम्मच हमें बलाई चाहिए। और इसमें हमने डालना है लीमू का रस, बीज इसके निकाल लेने हैं आपने लीमू के अंदर से, और लीमू का रस, ताज़ा लीमू का रस लेना है आपने। इसके 4 से 5 कतरे लीमू के आप डालेंगे और इसके आपने बीज निकाल लेने हैं। इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा शहद, शहद हमें 3 से 4 कतरे ही शहद के चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, सारे जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए आपस में। और इसको फिर हमने अपने फेस पर, नेक पर अप्लाई करना है। और मैं अब आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया था, फेस पर लगाएं, नेक पर लगाएं, हाथों पर लगाएं, बाजुओं पर लगाएं, और 5 मिनट के लिए आपने सर्कुलर मोशन में इसका अच्छी तरह मसाज करना है, और ताकि ये अच्छी तरह स्किन में जज़ब हो जाए। फिर आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद आपने आम सादा पानी से वॉश कर लेना अपने हाथ को, और आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आए हैं। अगर आप ये हफ्ते में 2 दफ़ा ये रेमेडी यूज़ करें तो आपका कलर बहुत फेयर हो जाएगा और स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। सारी पिगमेंटेशन और जो आपकी स्किन पर छाइयाँ वगैरह पड़ी होंगी तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बासानी और जल्दी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।